नमस्कार दोस्तों, हम लोग क्लास 7 की साइंस पढ़ रहे थे, जिसमें कल हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन प्लांट में कैसे होता है, उसके टाइप को जाना था, सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें बडिंग के द्वारा होता है, रिप्रोडक्शन किसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। हमने पॉलिनेशन को बहुत अच्छे से पढ़ा था और सीड डिस्पर्जल एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, उसके बारे में पढ़ा था। तो दोस्तों, आज हम इसके आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? वाटर साइकिल। तो दोस्तों, वाटर साइकिल क्या होती है? मिलियंस ऑफ ईयर से, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर से जो वाटर है वो अर्थ पे कैसे मेंटेन है दोस्तों? वो अर्थ पे मेंटेन है वाटर साइकिल के द्वारा, क्योंकि वाटर साइकिल में वाटर जो है वो सर्कुलेट करता है 3 डिफरेंट फॉर्म में वाटर के। कुछ वाटर सॉलिड के रूप में रहता है, कुछ लिक्विड के रूप में रहता है, कुछ गैसेस के रूप में रहता है। तो सॉलिड के रूप में क्या रहता है? कौन सा वाटर? स्नो हो गया हमारा, आइस हो गया, ये सॉलिड फॉर्म में रहता है। लिक्विड फॉर्म में वाटर कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो ये लेक में पाया जाता है, रिवर में पाया जाता है, और किस में पाया जाता है? ओशियन में पाया जाता है। और गैसियस फॉर्म में जो होता है, गैसियस फॉर्म में ये वाटर वेपर के रूप में कहाँ प्रेजेंट होता है? वाटर वेपर के रूप में प्रेजेंट होता है एयर में जो हमारे अराउंड है, प्रेजेंट होता है एयर में जो हमारे अराउंड पाई जाती है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? तो ये 22 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कितना वाटर अवेलेबल है अर्थ सरफेस पे, तो आप बताइएगा कि 71%। कितना? 71% जो हमारा अर्थ सरफेस है वो ढका हुआ है किससे? वाटर से। और जो वाटर है अर्थ पे वो किस में है? सी में है, ओशियन में है, रिवर में है, और किस में? लेक में है, आइस कैप में है, ग्राउंड वाटर के और एटमॉस्फियर में पाया जा रहा है। दोस्तों ये नोट इम्पॉर्टेंट है कि जो रेन वाटर होता है और वाटर जो अदर सोर्सेस से होता है वो रिसाव के द्वारा जमीन में जाता है। तो प्रोसेस जिसके द्वारा वाटर रिस के जमीन में जाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन कहते हैं दोस्तों। और जो ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड वाटर जो जमीन के नीचे पाया जाता है वाटर, अगर वो स्टोर रहता है किसमें? अगर वो स्टोर रहता है बिटवीन द लेयर ऑफ हार्ड रॉक के बीच में, वाटर टेबल के नीचे, बिलो वाटर टेबल, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बिलो वाटर टेबल तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्वीफर, या हिंदी में कहते हैं जल जल भृत, जल भृत, उसे कहते हैं जल भृत। तो दोस्तों हमने वाटर साइकिल के बारे में जाना, हमने ये जाना कि कितना वाटर अर्थ सरफेस पे अवेलेबल है। तो 71% अर्थ सरफेस पे वाटर हमारे अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे? इसके बाद हम पढ़ेंगे फूड चेन क्या होती है दोस्तों। फूड चेन ये बहुत जरूरी होती है, क्योंकि फूड चेन के द्वारा ही सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक होते हैं। यदि कोई एक फूड चेन डिस्टर्ब होती है तो वो किस पे अफेक्ट करेगी? अदर फूड चेन पे अफेक्ट करेगी। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रास है ये किस में पाया जाता है? ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, और ये जो है लास्ट ट्रॉफिक लेवल, या इसे हम कहते हैं टॉप कंज्यूमर कंज्यूमर। तो दोस्तों फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में घासें पाई जा रही हैं, इनको क्या खाता है? इनको इंसेक्ट खाता है। इंसेक्ट को क्या खाता है? इंसेक्ट को फ्रॉग खाता है। अब दोस्तों फ्रॉग को क्या खाएगा? फ्रॉग को सांप खाता है। सांप को कौन खाता है दोस्तों? सांप को खाता है चील। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सब एक दूसरे पे डिपेंड है भोजन के लिए।
दोस्तों अब हम पढ़ेंगे डिकम्पोजर क्या होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हमने क्लासिक्स में भी पढ़ा था। डिकम्पोजर वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कन्वर्ट करते हैं डेड प्लांट और एनिमल मैटर को किसमें, ह्यूमस में कन्वर्ट करना कहलाता है डिकम्पोजिशन। और जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ये प्रोसेस होती है उसे कहते हैं डिकम्पोजर। एग्जाम्पल के लिए फंजाई होता है दोस्तों, ये फंजाई किस पे ग्रो करता है, ये ग्रो करता है डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। डेड एंड डिकेइंग मैटर पे फंजाई ग्रो करता है और इसको किस में कन्वर्ट करता है, इसको ह्यूमस में कन्वर्ट करता है। दोस्तों ये नोट भी इम्पॉर्टेंट है कि प्लांट क्या होते हैं। प्लांट हमको प्रोवाइड करते हैं एनिमल को ऑक्सीजन रेस्पायरेशन के लिए, और जो एनिमल से कार्बन डाइऑक्साइड निकला उसको प्लांट किस में यूज करते हैं। प्लांट हुआ, प्लांट ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं एनिमल को। और एनिमल के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला उसको प्लांट किस में यूज करते हैं, इसको प्लांट यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में और फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन रिलीज होती है उसको एनिमल को देते हैं, तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो प्लांट जो है बैलेंस बनाए रखते हैं ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का, एटमोसफियर में बैलेंस मेंटेन किए रहते हैं। इसलिए जो फॉरेस्ट होते हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों, उनको लंग कहा जाता है। अब हम दोस्तों क्या पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे कि ये स्विबेस क्या होता है। स्विबेस में दोस्तों ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी के रूप में क्या होता है, इसमें ह्यूमन का क्या होता है, ह्यूमन का मल होता है और एनिमल एनिमल का जो वेस्ट होता है एनिमल का, और हमारा ये सब यूरिन मल यूरिन एनिमल वेस्ट ये सब ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है स्विबेज में। और इसमें और क्या होता है, इसमें पेस्टिसाइड भी होता है जो हम लोग खेतों में यूज करते हैं, हर्बिसाइड भी होता है, हर्बिसाइड भी होता है और वेजिटेबल वेजिटेबल और एनी वेजिटेबल और फ्रूट के वेस्ट वेस्ट ये सब आते हैं ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी में। और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी के रूप में क्या पाया जाता है, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी के रूप में पाया जाता है दोस्तों इसमें नाइट्रेट नाइट्रेट फॉस्फेट फॉस्फेट और मेटल, ये सब इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है स्विबेज में। स्विबेज में दोस्तों कौन सा न्यूट्रिएंट पाया जाता है, तो इसमें फॉस्फोरस और नाइट्रोजन पाए जाते हैं। स्विबेज में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो इसमें बैक्टीरिया विब्रियो पाया जाता है, विब्रियो पाया जाता है जो क्या कॉज करता है, कॉलरा कॉलरा कॉज करता है। और इसमें सोल्मोनेला पाया जाता है, सोल्मोनेला जो क्या कॉज करता है, टाइफाइड कॉज करता है। और इसमें क्या पाया जाता है, इसमें प्रोटोजोआ पाया जाता है जो क्या कॉज करता है, डिसेंट्री कॉज करता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो इम्प्योर वाटर है अगर हम उसको यूज करते हैं तो हम कॉलरा से भी सफर कर जाते हैं और हमें टाइफाइड नामक बीमारी भी हो जाती है, हमको डिसेंट्री भी हो सकती है। इसलिए जो इम्प्योर वाटर है उसको प्योर करना बहुत जरूरी होता है। तो क्लीनिंग ऑफ वाटर कैसे होता है दोस्तों, रिमूव करना है पॉल्यूटेंट का वाटर बॉडी में इंटर करने से पहले ही क्या कहलाता है, कहलाता है क्लीनिंग ऑफ द वाटर। और जो प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है यही कहलाता है स्विबेज ट्रीटमेंट। तो दोस्तों हम इस स्विबेज से हम कैसे स्विबेज ट्रीटमेंट से हम कैसे शुद्ध जल प्राप्त करेंगे, तो दोस्तों जो जल होता है इसको हम किस में भेजते हैं, इसको हम भेजते हैं अपशिष्ट जल को एक ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से ऊर्ध्वाधर लगी छड़ों से गुजारते हैं। जब हम इसको इस छड़ों से वाटर गुजारते हैं वेस्ट वाटर को, तो जो इसमें बड़े अपशिष्ट होते हैं जैसे कपड़े हो गए टुकड़े हो गए डिब्बे प्लास्टिक के, ये सब क्या होते हैं, ये सब बड़े साइज के जितने भी इसमें पॉल्यूटेंट होते हैं वो सब अलग हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद इसको एक टंकी में ले जाया जाता है, वेस्ट वाटर को एक टंकी में ले जाते हैं। इस टंकी में जल को जो है धीरे धीरे छोड़ते हैं, इस टंकी में जल को धीरे धीरे छोड़ते हैं दोस्तों, जिससे उसमें उपस्थित बालू मिट्टी कंकड़ हो क्या हो, वो जमीन पे बैठ जाए, वो क्या हो जमीन पे बैठ जाए बैठ जाए। फिर इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इसके बाद जो है इस जल को क्या करते हैं,
एक बड़ी टंकी में भेजते हैं। क्या करते हैं, एक बड़ी टंकी में भेजते हैं। जब बड़ी टंकी में भेजते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका जो मध्य भाग होता है उसमें ढलान होता है, जिसके द्वारा जो है जो मल पदार्थ होते हैं, जो हमारे ह्यूमन के जो मल होते हैं या एनिमल का वेस्ट होता है, वो इसमें बैठ जाता है। फिर इन अशुद्धियों को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, जो ये मल है, जिन अशुद्धियों को हम निकालते हैं, इन सबको क्या कहते हैं, इन सबको कहते हैं स्लज। स्लज फिर क्या करते हैं, फिर जो अशुद्ध हैं जल में, जैसे ग्रीस है या तेल है, इनको हटाने के लिए इसमें स्किमर का उपयोग करते हैं। इसके बाद जल जो है शुद्ध हो जाता है। लेकिन दोस्तों, जो ये स्लज निकला, इसको हम क्या करेंगे, इसको एक अलग टंकी में ले जाते हैं, जहां पे इसमें जो एनएरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं, एनएरोबिक रेस्पायरेशन करते हैं उन बैक्टीरिया के द्वारा इसको तोड़ा जाता है। जब इसको तोड़ते हैं तो क्या उत्पन्न होती है दोस्तों, उत्पन्न होती है बायोगैस। बायोगैस, बायोगैस या इसे कहते हैं गोबर गैस। इसको हम किस में उपयोग करते हैं, इसको उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में, और विद्युत उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये नोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि यूकेलिप्टस का जो प्लांट होता है वो क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है वेस्ट वाटर को बहुत तेजी से, और रिलीज करता है क्या, प्योर वाटर वेपर इनटू द एटमॉस्फियर। ये तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पौधा है यूकेलिप्टस का। दूसरा नोट है दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन 2016 का क्या परिपस था, इसका पर्पस था प्रॉपर स्वीबेस का, इसका प्रॉपर डिस्पोजल हो और प्रोवाइड किया जाए हर एक किसी को क्या, टॉयलेट प्रोवाइड करना। ये स्वच्छ भारत मिशन 2016 का एम था। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा, फूड चेन के बारे में देखा, हमने डिकम्पोजर के बारे में जाना, स्वीबेस ट्रीटमेंट कैसे होता है उसके बारे में जाना, और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट पढ़ा, यूकेलिप्टस का प्लांट होता है जो वो वेस्ट वाटर रैपिडली एब्जॉर्ब करता है और प्योर वाटर वेपर को हमारे एटमॉस्फियर में रिलीज कर देता है। तो इसके बाद दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे कि स्पीड, स्पीड क्या होती है। स्पीड दोस्तों होती है किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी ही कहलाती है उस वस्तु की स्पीड। तो इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, स्पीड कितना डिस्टेंस वो चली, डिस्टेंस कितना वो कवर्ड की, कितने टाइम में वो, उसका क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है दोस्तों। अब हम पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसे हम क्या कहते हैं, असमान, असमान गति। यदि कोई वस्तु किसी सरल रेखा के अनुदिश, सरल रेखा के अनुदिश चल रही है और उसकी चाल में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो दोस्तों, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, यदि कोई वस्तु किसी रेखा के अनुदिश समान चाल से चल रही है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। दोस्तों, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन बाई पेंडुलम एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है पेंडुलम के द्वारा, उसे कहते हैं उसका टाइम पीरियड। तो एक ऑसिलेशन पूरा करने में जितना टाइम लगाएगा पेंडुलम, वो उसका क्या कहलाता है दोस्तों, वो उसका टाइम पीरियड कहलाता है। दोस्तों, ये दोनों नोट इंपॉर्टेंट है कि स्पीडोमीटर क्या रिकॉर्ड करता है, स्पीड रिकॉर्ड करता है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। जो ऑडोमीटर होता है वो क्या मेजर करता है, वो मेजर करता है डिस्टेंस मूव बाई द व्हीकल। उसको ऑडोमीटर मेजर करता है कि उस व्हीकल के द्वारा कितना डिस्टेंस चला गया। दोस्तों, ये नोट भी इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसा होता है, उसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अब हम दोस्तों
सो क्या पढ़ेंगे, बैटरी पढ़ेंगे। बैटरी क्या होती है, बैटरी का मतलब दो या दो से अधिक सेल इस तरह लगे हों, जैसे आप देख रहे हैं नेगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल। जो है पॉजिटिव टर्मिनल जो है एक सेल का, वो नेगेटिव टर्मिनल से लगा हुआ है। फिर इसी तरह पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का किससे लगा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल से। तो इस तरह अरेंज हो दो या दो से अधिक सेल की, पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है एक सेल का किससे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल से लगा हो, तो उसे को कहते हैं क्या, बैटरी। दोस्तों इसके बाद क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब एक इलेक्ट्रिक करंट को हम किसी वायर से प्रवाहित करते हैं तो वायर क्या होता है, वो तार जो है बहुत गर्म हो जाता है। तार के इस गर्म होने की प्रक्रिया को जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं उसे क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीटेट में पूछा भी गया है कि एलईडी बल्ब क्या होता है, वो कंज्यूम करता है लेस इलेक्ट्रिसिटी एज कंपेयर टू फ्लोरोसेंट ट्यूब या सीएफएल। इसलिए एलईडी बल्ब क्या होता है, मोर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंस होता है, इसलिए हम इसको एलईडी बल्ब को क्या करते हैं, प्रिफर करते हैं। दोस्तों ये दूसरा नोट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है और सीएफएल होता है, इसमें मरकरी वेपर की टॉक्सिक, मरकरी वेपर होता है जो टॉक्सिक नेचर का होता है, इसलिए खराब हुई फ्लोरोसेंट ट्यूब और सीएफएल को सेफली डिस्पोज करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों अगर एलईडी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो एलईडी का फुल फॉर्म है लाइट इमिटिंग डायोड, डायोड। और सीएफएल का फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। तो दोस्तों इन दोनों का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड, सीएफएल का कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। दोस्तों कुछ ये क्या होता है, कुछ विशेष पदार्थों से, विशेष पदार्थों से बने बने तारों में, ये तार क्या है, कुछ विशेष पदार्थों से बने तारों में जब हम अधिक अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, अधिक विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये तार क्या होते हैं, प्रवाहित करते हैं तो ये तार शीघ्र ही पिघल जाते हैं और टूट जाते हैं। तो ये तार क्या होते हैं, शीघ्र ही क्या कर जाते हैं, शीघ्र ही क्या कर जाते हैं, पिघल कर टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। इसलिए इन तारों का उपयोग कहाँ किया जाता है, इसलिए इन तारों का उपयोग विद्युत फ्यूज बनाने में करते हैं, इसलिए इन तारों का उपयोग हम विद्युत फ्यूज बनाने में करते हैं, विद्युत फ्यूज बनाने में करते हैं, क्योंकि क्योंकि ये विद्युत फ्यूज जो है एक सेफ डिवाइस है, ये प्रिवेंट करती है डैमेज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट एंड पॉसिबल फायर। मतलब ये एक ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक सर्किट के डैमेज और आग लगने से रोकती है, इसलिए हम इनको विद्युत फ्यूज बनाने में इन तारों को यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों आजकल एमसीबी का उपयोग किया जाता है। दोस्तों एमसीबी का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो आजकल इलेक्ट्रिक फ्यूज तारों की जगह हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, एमसीबी का यूज करते हैं। एमसीबी का जब हम एमसीबी का यूज करते हैं तो क्या होता है, ये स्विच जो होती है एमसीबी की, एमसीबी के जो स्विच होती है दोस्तों, वो ऑटोमेटिकली एमसीबी जो है वो बंद हो जाती है, टर्न ऑफ हो जाती है। कब, जब करंट जो है, जब करंट उस सर्किट में, करंट उस सर्किट में, करंट इन सर्किट क्या करता है, एक सेफ लिमिट से आगे निकल जाता है, एक्सीड कर जाता है सेफ लिमिट से, तो ये जो स्विच होती है एमसीबी की वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब एक करंट कैरिंग कॉयल के अराउंड क्या करते हैं, हम एक इंसुलेटेड
वायर को रैप करते हैं अराउंड ए पीस ऑफ आयरन तो उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। दोस्तों ये नोट जरूर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसका उसकी खोज का क्रेडिट किसको दिया जाता है, तो थॉमस अल्वा एडिसन को दिया जाता है। किसको दिया जाता है क्रेडिट इलेक्ट्रिक बल्ब का, थॉमस अल्वा एडिसन को। दोस्तों रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से आप क्या समझते हो, जो मिरर होता है वो चेंज करता है डायरेक्शन ऑफ लाइट जो उस पे गिरती है, तो इस डायरेक्शन ऑफ लाइट को चेंज करना ही मिरर के द्वारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इसके बाद दोस्तों हम जानेंगे कि रियल इमेज क्या होती है। रियल इमेज दोस्तों वो होती है जिसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हैं। वर्चुअल इमेज क्या होती है दोस्तों, वर्चुअल इमेज वो इमेज होती है जिसे हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इमेज बनती है वो प्लेन मिरर के द्वारा कैसी होती है, तो जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनती है वो इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के होती है। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि कर्व्ड मिरर का सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, स्फेरिकल मिरर है। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल मिरर का कॉनकेव हो, आप ये देख रहे होंगे इसका ये सरफेस कॉनकेव है, तो इसे हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, कॉन्वेक्स हो, तो हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। दोस्तों इसको जरूर याद रखिएगा, कॉनकेव मिरर के द्वारा कैसी इमेज बनती है, इसके द्वारा जो इमेज बनती है वो या तो छोटी होगी या बड़ी होगी साइज में ऑब्जेक्ट से। इसकी इमेज कैसी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है। जब हम ऑब्जेक्ट को मिरर के बहुत क्लोज रखते हैं तो उसका इमेज कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है, बहुत इरेक्ट बनता है और बहुत मैग्नीफाइड होके आता है। दोस्तों हम कॉनकेव मिरर का यूज कहाँ करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है जो डॉक्टर होते हैं इसका यूज करते हैं कहाँ, एग्जामिन करने में, हमारे आई को, ईयर को, नोज को और थ्रॉट को एग्जामिन करने में डॉक्टर जो है कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। और एक डेंटिस्ट जो होता है वो भी इसको यूज करके क्या करता है, वो देखता है इमेज ऑफ टीथ को, इमेज ऑफ टीथ को, तो कॉनकेव मिरर का यूज डॉक्टर लोग करते हैं एग्जामिन करने में, आई में, ईयर में, नोज में और थ्रॉट में। अब हम दोस्तों पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, तो कॉन्वेक्स मिरर के बारे में जरूर याद रखिएगा, इसकी इमेज कैसी होती है, सीधी होती है, वर्चुअल होती है, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटी होती है। कॉन्वेक्स मिरर का हम यूज कहाँ करते हैं दोस्तों, इस मिरर का यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को एक लार्ज एरिया में स्प्रेड करने के लिए, इसलिए जो ड्राइवर होते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर का यूज करके अपने पीछे के ट्रैफिक को देखते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ड्राइवर यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का अपने पीछे के ट्रैफिक को देखने के लिए। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे कॉनकेव लेंस क्या होता है। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे ये कॉनकेव लेंस है, ये बीच में क्या होता है, ये बीच में पतला होता है और किनारों पे क्या होता है, किनारों पे ये मोटा होता है। कॉनकेव लेंस बीच में पतला, किनारों पे मोटा होता है। दोस्तों इसका ये जरूर याद रखिएगा, इसके द्वारा जो इमेज बनती है ये हमेशा इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल और स्मॉलर इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट से। और कॉनकेव लेंस क्या करता है दोस्तों, आप ये देख रहे होंगे ये कॉनकेव लेंस है, जो आने वाली प्रकाश है ये इसको क्या करता है, इसको फैला देता है, आप ये देख रहे होंगे इसको डाइवर्स कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। इसके बाद दूसरा क्या है दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस है, आप ये देख रहे होंगे ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये किनारों पे पतला होता है, बीच में मोटा होता है, तो इसे कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। इसके द्वारा जो इमेज बनती है वो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसके द्वारा इमेज रियल बनती है और इन्वर्टेड बनती है।
अगर ऑब्जेक्ट को क्या है बहुत क्लोज ब्रेक दिया जाए लेंस के पास, तो इसके द्वारा जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनेंगी। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, इसके ऊपर ये जो लाइट फॉल हो रही है, ये लाइट को क्या कर देती है, ये लाइट को कन्वर्ज कर रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमने आज के लेक्चर में क्या पढ़ा, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा वाटर साइकिल क्या होती है, और हमने पढ़ा कि जो है स्पीड के बारे में, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में देखा, हमने लेंस और मिरर के बारे में पढ़ा। दोस्तों वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है उसके बारे में जाना, और डिकम्पोजर के बारे में पढ़ा, फूड चेन क्या होते हैं उसके बारे में जाना, और सीवेज ट्रीटमेंट कैसे करते हैं दोस्तों इसके बारे में पढ़ा। तो दोस्तों इस तरीके से आपकी क्लास 7 की एनसीईआरटी साइंस की खत्म होती है। अब हम कल से क्या करेंगे दोस्तों, कल से हम क्लास 8 साइंस की एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। दोस्तों हम क्लास 6 की एनसीईआरटी और क्लास 7 की एनसीईआरटी दोनों को बहुत अच्छे से कवर किया है, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन सीधा यहीं से आएंगे दोस्तों। इसके बाद दोस्तों यदि आपको कोई भी डाउट रहता है या कोई डाउट इससे रिलेटेड आता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। धन्यवाद।